दुबई डिजिट टू वर्क वीजा का पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि अगर आप दुबई डिजिट वीजा पर जाने वाले हैं या दुबई में डिजिट वीजा पर हैं तो वर्क वीजा यानी एम्प्लॉयमेंट वीजा का प्रोसेस क्या है, कैसे एम्प्लॉयमेंट वीजा में कन्वर्ट होता है, कितना वक्त लगता है, ये सब कुछ के बारे में आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। मानकर चलिए कि आप अभी दुबई में हैं और दुबई जाने के बाद आप अप्लाई करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी आपको वहां पर दिखाई देगी। किसी भी कंपनी में अगर आप अपना सीवी को ईमेल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं या किसी कंपनी में आपको कॉल आता है इंटरव्यू के लिए, जब आप इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हैं तो वहीं पे आपका पोजीशन को पता चल जाता है कि कौन से ट्रेड में आप काम करेंगे, कितना सैलरी मिलेगा, कितने घंटे की ड्यूटी है। मे भी हो सकता है कि एक दिन के अंदर अंदर कंपनी आपको इंटरनल ऑफर लेटर निकाल करके दे दे जिसमें सारे डिटेल्स लिखा रहता है। उसके पास एक कंपनी का जो एचआर है वो आपके पास फोन करके आपको वो बोलेगा कि डॉक्यूमेंट शेयर करें, जैसे अपना डिजिट वीजा सेंड कीजिए, अपने पासपोर्ट कॉपी को सेंड कीजिए और अपना फोटो कॉपी सेंड कीजिए, यानी फोटो सेंड कीजिए। हो सकता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट हो वो आपसे मांग लें। उसके बाद से कंपनी का जो पीआर होते हैं वो लोग मूल ऑफर लेटर निकालते हैं, यानी कि मिनिस्ट्री में मोहरे में जा करके आपका वीजा के लिए ऑफर लेटर निकाला जाता है मिनिस्ट्री के नजर में रखते हुए। वो ऑफर लेटर आप ऑनलाइन अपने पासपोर्ट नंबर से भी चेक कर सकते हैं, उसको मूल ऑफर लेटर लोग बोलते हैं। और मूल ऑफर लेटर कैसे चेक किया जाता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देख करके आप अपना मूल ऑफर लेटर को निकाल करके देख सकते हैं। जब भी आपको मूल ऑफर लेटर कंपनी निकाल करके देती है, मूल ऑफर लेटर कुछ आपको मैं बता देता हूँ, और जो ऑफर लेटर देगा उस ऑफर लेटर को आप जल्दी में आकर के डायरेक्ट नीचे साइन मत कीजिए, देखिए कि पूरा पेज ऑफर लेटर को वहाँ पर दिया गया है या नहीं दिया गया है। कम से कम दो तीन दफा बारीकी से अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो किसी दूसरे आदमी से पढ़वा करके सारे कंडीशन के बारे में आप देख लीजिए कि आपका बेसिक सैलरी कितना है, टोटल सैलरी कितना है, अकोमोडेशन के क्या सिस्टम है, मेडिकल का क्या सिस्टम है, फूड्स का क्या सिस्टम है, कितने महीने के यानी कितने साल के बाद आपको लीव मिलेगा, लीव सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको फ्लाइट का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। लिमिटेड है कॉन्ट्रैक्ट या अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है, वो सब कुछ आप अच्छे से पढ़ करके साइन करेंगे। साइन करने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब आपका वीजा निकल जाए। जब आपको वीजा निकलेगा तो पेपर वीजा निकलता है, पहले जिस तरीके से आपका विजिट वीजा है उसी तरीके का इम्प्लॉयमेंट वीजा निकल जाता है। जब वीजा निकलेगा पेपर वीजा तो उसमें 60 दिन का वक्त रहता है, और जब आपका वीजा निकल जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा इम्प्लॉयमेंट में तो वो 60 दिन आपको मिल जाएगा। 60 दिन के अंदर कंपनी आपका मेडिकल चेकअप कराएगी, उसके बाद से इमिग्रेंट आईडी का प्रोसेस करती है। इसका मतलब कि आपका हेल्थ चेकअप होता है दुबई में, जब आप हेल्थ चेकअप में फिट हो जाते हैं उसके बाद से आपका फिंगर वगैरह हो करके आपका इंटरेस्ट आईडी का प्रोसेस किया जाता है। इसमें सारे चीज का अगर हम बात करें, जब भी आपका इंटरव्यू होता है, इंटरनल ऑफर लेटर देता है, मूल ऑफर लेटर निकालता है, उसके बाद से आपका वीजा निकल जाता है, वीजा निकलने के बाद आपके इंटरेस्ट आईडी तक कम से कम 2 हफ्ते तक का टाइम लग सकता है। अगर कंपनी चाहे तो 60 दिन के अंदर आपको कभी भी वो आपका इंटरेस्ट आईडी बनवा सकती है, क्योंकि जब आपका इंप्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको 60 दिन का वक्त मिल जाता है। 60 दिन के अंदर कंपनी को मेडिकल कराना है, इमिग्रेंट्स आईडी बनाना है, उसके बाद से आपका वीजा आपके पासपोर्ट पर जो स्टाम्प होता है लग जाता है या इमिग्रेंट्स आईडी आपका बन करके आ जाएगा, जिस पे डायरेक्टली लिखा रहेगा कि इतने दिन से लेकर के इतने दिन का इमिग्रेंट्स आईडी, यानी लगभग 2 साल का वहाँ पर लगता है। तो ये प्रोसेस है मेरे भाई। और जब आप इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू पास होगा, फिर आपका इंटरनल ऑफर लेटर देना पड़ेगा, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को सेंड करना पड़ेगा कंपनी में, फिर मूल ऑफर लेटर आता है, मूल ऑफर लेटर को साइन करना होगा, फिर से इम्प्लॉयमेंट वीजा पेपर वीजा निकलेगा। जब पेपर वीजा निकल जाएगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा, हेल्थ चेकअप होगा, हेल्थ चेकअप होने के बाद आपका फिंगर होगा, और उसके बाद से जा करके आपका इंटरेस्ट आईडी बन जाता है। उसके बाद आपको संतुष्टि मिलेगी, हाँ भाई अब फाइनली हम आ चुके हैं इस कंपनी में, ये मेरा इंटरेस्ट आईडी है और मेरा ये पोजीशन है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस क्या है। अगर किसी भी तरीके का डाउट है, शक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट जब भी देखूंगा रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।